आपकी पार्टी कितनी तैयार है, लेकिन अगर धंधा चाहे डेली मुझे अमरनाथ से पहले इलेक्शन की बात हो रही है और आपकी पार्टी कितनी तैयार है, अगर देखा जाए डिलिमिटेशन की मीटिंग सिर्फ एक ही बार यहाँ पर हुई है, आपको लगा कि अंदर अंदर से बीजेपी को फायदे देने इलेक्शन की तैयारी करना और इलेक्शन कराना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारे इलेक्शन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा डिले हुए हैं, 2014 में इससे पहले असेंबली के इलेक्शन हो गए थे, अब 7 साल हो गए हैं इलेक्शन को किए हुए। हम तैयार हैं, जैसे ही इलेक्शन का ब्यूगल बजेगा हम अपने उम्मीदवार जो हैं मैदान में उतारेंगे और उसके बाद लोगों तक है ना, लोग हमारे साथ कहाँ तक चलने के लिए तैयार होंगे हमें उनको कन्विंस करना है उसके लिए। आप उमर अब्दुल्ला इंतखाबात में हिस्सा लेंगे या नहीं? जहाँ तक डिलिमिटेशन का सवाल है, डिलिमिटेशन सियासी बुनियाद पर नहीं की जानी चाहिए। डिलिमिटेशन के लिए बेसिस सिर्फ और सिर्फ आपका सेंसस है। सेंसस के डेटा के मुताबिक आप लोग, वो भी 2011, क्योंकि इस साल का सेंसस हुआ नहीं है, 2011 के सेंसस के मुताबिक जो डेटा कहे उस हिसाब से आप फैसले कर लीजिए, उसमें फिर किसी को एतराज नहीं हो सकता। आप उमर अब्दुल्ला इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं? लेकिन आपको डोडा से उसमें क्या मतलब है ना? नहीं लड़ना चाहेंगे वो तो उससे डोडा को क्या लेना देना? मैं कश्मीर वहाँ बीरवा से इलेक्शन लड़ा हूँ। दिल्ली में आपकी पार्टी जम्मू कश्मीर के हवाले से बताती है कि हम हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के साथ हैं, और कश्मीर में कहते हैं कि कश्मीर हमारे, जैसे कि आपका तराना है कि लहराएगा कश्मीर का झंडा, लहराएगा हिंदुस्तान का झंडा क्यों नहीं लहराएगा? किसने कहा हिंदुस्तान का झंडा नहीं, मगर आपका तराना यही है ना कि लहराएगा कश्मीर का झंडा, लहराएगा जम्मू कश्मीर का भी झंडा लहराएगा। लेकिन ये क्या है मतलब, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे 2 झंडे थे लेकिन हमने अपने झंडे को लहराते हुए क्या हिंदुस्तान का झंडा नीचे किया? आप मुझसे सवाल कर रहे हो क्या 15 अगस्त को मैंने कौन सा झंडा चढ़ाया ना, मुल्क का चढ़ाया या रियासत का चढ़ाया, क्या चढ़ाया मैंने? कौन सा झंडा चढ़ाया मैंने? हिंदुस्तान का झंडा, ठीक है। 26 जनवरी को कौन सा झंडा चढ़ाया मैंने? हिंदुस्तान का झंडा, ठीक है। और फिर 13 जुलाई को कौन सा झंडा चढ़ाया मैंने? हिंदुस्तान का। तराने में क्यों है? क्योंकि हमारा रियासत का झंडा है ना, हमारा हक है उस रियासत के झंडे को लहराना। पार्टी का वादी चुनाव में कश्मीर में पोलिटिकल पार्टी जो है उनका निशाना आपकी पार्टी है और पीडीपी। मैं समझा नहीं, क्या